साथियों, आज हमारा देश, हमारा समाज इतना तरक्की कर चुका है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक समय वो था जब हमारे देश को बहुत पीछा समझा जाता था, लेकिन आज हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी विषय पर मैं बात करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव हूँ। इस देश के अंदर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने मानने वाले देवी देवताओं की मूर्तियाँ हर गली गांव मोहल्ले कस्बों शहरों में लगी होती हैं। लेकिन एक महापुरुष हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी मूर्तियों को बीते कई सालों से खंडित किया जाता है, आखिर क्यों? हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा क्या किया है लोगों के लिए, क्या गलत किया है लोगों के लिए कि उनकी मूर्तियों तक को रात को तोड़ दिया जाता है? अगर मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, जो मूर्तियों को रात को तोड़ते हैं वो दिन में तोड़ के दिखाएं। बहुजन समाज के जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, बीच गली में जाकर दिन के उजाले में मूर्ति को तोड़कर दिखाएं, ये तुम्हारी मर्दानगी को पेश करेगी। रात के अंधेरे में तुम मूर्तियों को तोड़ते फिरते हो ना, ये तुम्हारा मर्दानगी को पेश करता है। अरे बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों को नहीं तोड़ सकते, उनके उसूलों को नहीं तोड़ सकते। अरे जो कानून उन्होंने आपकी बहन बेटियों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए लिखे हैं, वो आपकी मनुस्मृति नहीं देती। बाबा साहेब ने तो वो कारनामे कर दिखाए जो आपकी मनुस्मृति कर ही नहीं सकती थी कभी। वो चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं मनवादी व्यवस्था में, कि महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर तक रहने की इजाज़त थी, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। आज देश की महिला, हमारे देश की क्या पूरी देश दुनिया की महिलाएँ कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं, उसका श्रेय किसको है? भारतीय संविधान को है। भारतीय संविधान तो वो चीज़ है जिसके लिए भारत ही नहीं, साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी भारतीय संविधान की तारीफ़ की है, बाबा साहेब की तारीफ़ की है कि हाँ वो इंसान था जिसने बहुत अच्छा संविधान लिखा है। पूरी दुनिया के सब 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 देशों की यात्रा करके बाबा साहेब जी ने जिन चीज़ों को देखा था, जिन चीज़ों में कुछ कमी थी उनका संशोधन करके ही संविधान लिखा। लेकिन हमारे ही देश के अंदर भारतीय संविधान को गलत ठहराने की बात करते हैं लोग कि संविधान गलत है। गलत कैसे हो सकता है? वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, और जब पढ़ा लिखा इंसान ही किसी चीज़ को सोच समझ कर ही तो लिखेगा। और जिनके सामने वो, जिनको संविधान बनाकर पेश किया गया, जिनके सपुर्द किया गया, वो ही पढ़े लिखे थे, जिनको उसके बारे में उनकी चीज़ें, जो संविधान में लिखी चीज़ें थी उनको समझाया गया था, बताया गया था। अगर वो अनपढ़ होते तो वो भी संविधान को गलत बता देते, लेकिन पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे इंसान नहीं, पढ़े लिखे समा इंसानों को वो चीज़ सौंपी कि ये देश में लागू होनी चाहिए, दुनिया के अंदर लागू होनी चाहिए। जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे, उन अधिकारों को बाबा साहेब ने संविधान में लिखा और महिलाओं को वो अधिकार दिए। आज महिला से लेकर अर्श पर पहुँच चुकी है, जहाँ महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी में रखा जाता था, आटा गूंथना, झाड़ू करना, ये करना, वो करना, लेकिन आज महिला एक साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक चला रही है, एक कॉन्स्टेबल से लेकर एक SDM IAS PCS ऑफिसर है। किसकी बदौलत है? भारतीय संविधान की बदौलत है, और संविधान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। हमारे बाबा साहेब की, अंबेडकर की जो मूर्ति होती है ना, उसको तोड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी औकात नहीं होती कि उस मूर्ति का या बाबा साहेब का सामना कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ, जो लोग रात के अंधेरे में इन कामों को करते हैं ना, उनसे सिर्फ इनकी नामर्दानगी की सामने आती है कि ये कितने नामर्द हैं। और बाबा साहेब की जो उंगली है ना ऐसे होती है, वो हमें इशारा देती है कि हमें सिर्फ नीचे नहीं ऊपर उठना है, और वहाँ तक उस कुर्सी पर जाकर बैठना जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते। और ऐसे नहीं, आज हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत आगे पहुँच चुके हैं, माननीय कांशीराम साहब रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हैं, ठीक है, चंद्रशेखर रावण भाई, और ऐसे मायावती जी हैं, और ऐसे ही भीमसेन अचीव नवाब सतपाल तंवर हैं। बहुत सारी बहुजन बेटियां हैं जो आज बहुत आगे निकल चुकी हैं, कुछ एडवोकेट बने हैं, कुछ PCS अधिकारी बने हैं, कुछ IAS अधिकारी भी हैं। इसका श्रेय किसको है? हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को है। अरे मनोवादी व्यवस्था दिमाग में रखने वालों, आपकी बहन बेटियां जो आज को पढ़ लिख कर ऊँचे अहदे पर बैठी हैं, उसका श्रेय सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को है। अगर वो संविधान ना लिखते तो आज आपकी बहन बेटा भी घर के अंदर ही वही झाड़ू पोछा करती होती। तो कभी भी इन चीज़ों को मत करो कि आप किसी महापुरुष की मूर्ति को तोड़ो, इससे शोभा नहीं देता, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी गलत मानसिकता है। अरे तुम अपने, जब तुम अपने महापुरुषों की ही इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरों के महापुरुषों की इज्जत क्या कर लोगे?
वो किस्सा भूल गए जब पंडित मदन मोहन मालवीय बैठे थे सम्मेलन में और बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ से पानी लेने से मना कर दिया था। जब अंग्रेज़ों के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर ने मालवीय जी को पानी दिया तो वो क्या कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी क्यों लूँ, तुम तो अछूत हो, तुम छोटी कास्ट हो, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा, मैं अपवित्र हो जाऊँगा। जबकि बड़ी बड़ी डींगे मारते फिरते थे अंग्रेज़ों के सामने सम्मेलन में कि भारत में सब समान रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, सब भाईचारा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अछूत वाली चीज़ है। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई तो अंग्रेज़ों की भी आँखें खुल गई थी और उन्होंने सैल्यूट किया था बाबा अम्बेडकर को, जिन्होंने इस जातिवादी चीज़ को अंग्रेज़ों के सामने लाया था और पोल खोल कर रख दी थी मालवीय जी की, जो कहते फिरते थे कि भारत में सिर्फ हिंदुस्तानी लोग इंसानियत रखते हैं, जातिवादी चीज़ें नहीं रखते। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन मैंने आपको दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का इज्जत करो, उनके संविधान की इज्जत करो। ठीक है दोस्तों, संविधान किसी एक के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए है। ठीक है दोस्तों, वो हमें आज़ादी से कहीं पे भी बोलने, खड़े होने, आने जाने की आज़ादी देता है, वो सिर्फ संविधान की बदौलत है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।